कहानी की शुरुआत होती है रोज फैमिली को दिखाते हुए, जहां हस्बैंड एंटी, वाइफ के और उनकी स्वीट सी बेबी रोजी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद से ऑस्ट्रेलिया के किसी रूरल जगह पर कुछ टाइम से एक हाउस बोट पर सेफली रह रहे होते हैं। अब एक दिन एंडी बोट ड्राइव करते हुए नदी के किनारे दो बच्चे को खेलते हुए देखता है। एंडी उनको देखकर जैसे ही हाई करता है, शायद उन बच्चों के पिता को वो चीज अच्छी नहीं लगती और वो पॉकेट से गन निकाल कर एंडी को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद एंडी अंदर चला जाता है। अब रात को एंडी और की के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि बोट पर उनके पास सिर्फ 3 वक्त का खाना ही बचा हुआ था, जिसे देख कर के बोट छोड़कर एक टाउन में चलने के लिए कहती है, जो उनसे 30 से 40 किलोमीटर दूर था, ताकि वो लोग वहाँ से फूड सप्लाईज अरेंज कर सके। लेकिन एंडी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो के को मना कर देता है, क्योंकि बोट छोड़कर जमीन पर ट्रेवल करना उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। अब नेक्स्ट डे एंडी को एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है। वो उस बोट पर जरूरी सामान और खाना ढूंढने चला जाता है, लेकिन सप्लाई लेने के टाइम उसको बोट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके कारण एंडी वहां से जल्दी से निकलकर अपने बोट पर वापस आ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस बोट में से एंडी को 3 महीने का राशन मिल जाता है। अब सप्लाई देख कर के भी बहुत खुश होती है और वो एंडी को कुछ देर रेस्ट लेने के लिए कहती है। अब खतरे से अनजान के उस बोट पर कुछ और सप्लाईज लेने के लिए चली जाती है, जहां एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। अब जब एंडी सो के उठता है तो उसको बोट के फ्लोर पर खून के निशान मिलते हैं और उसको पता चलता है कि के को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसका मतलब है कि 48 घंटे के बाद के ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। लेकिन एंडी ये सब कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसकी बीवी के साथ कुछ गलत हो सकता है। उसको अभी भी यही लगता है कि के ठीक हो सकती है, और इसीलिए एंडी के और रोजी को लेकर बोट छोड़ के जमीन पर आ जाता है, ताकि वो के को हॉस्पिटल लेके जा सके। अब कुछ दूर चलते ही रास्ते में उनको एक कार मिलती है। जब एंडी उस कार में फ्यूल डालने लगता है, तब एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है, लेकिन एंडी उसको देख लेता है और कार लेके वहां से निकल जाता है। अब कुछ दूर आने के बाद के कार से उतरती है रोजी का डायपर चेंज करने के लिए, लेकिन तभी के की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जब के को होश आता है तो वो एंडी के ऊपर चिल्लाने लगती है, ताकि एंडी उसको यहीं पर छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसको डर होता है कि वो ज़ॉम्बी में टर्न होने के बाद एंडी या फिर रोजी को इन्फेक्टेड कर देगी। लेकिन एंडी के को जबरदस्ती कार में बिठा के दरवाजे का हैंडल तोड़ डालता है। अब कुछ दूर आगे जाते ही उनके कार के सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाने पर एंडी डिस्ट्रैक्ट होके कार को पेड़ पर जाके ठोक देता है। जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी ऑलरेडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जैसे एंडी पीछे की सीट से रोजी को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि एंडी को काट लेती है, जिसे एंडी भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब रोजी को कार से सक्सेसफुली बाहर निकालने के बाद एंडी रोने लगता है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में सोच के वो खुद को हिम्मत दिलाता है और के को मार के उसके हाथ से स्टॉपवॉच को रिसेट करके खुद पहन लेता है, और यहाँ से उसका 48 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब एंडी रोजी को लेकर पैदल चलना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको वही ज़ॉम्बी दिखता है जिसके वजह से उसके कार की एक्सीडेंट हुई थी। एंडी जैसे ही खुद को उस ज़ॉम्बी से डिफेंड करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है, जिसका नाम होता है ठूमी। वो एंडी को उसके डैड से दूर रहने के लिए कहती है और एक पत्थर से खुद का हाथ काट लेती है, जिसके कारण उसके ज़ॉम्बी डैड खून के स्मेल को फॉलो करते हुए ठूमी के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब इसके बाद एंडी उसी टाउन में चला जाता है जिसके बारे में के ने उसको बताया था। एंडी उस टाउन के स्कूल में एंटर होते ही उसकी मुलाकात वहाँ के टीचर एटा से होती है। एटा एंडी के घाव पर मलम पट्टी करती है और वहाँ उसको रात गुजारने के लिए अलाउ भी करती है। पहले एंडी सोचता है कि वो एटा के पास रोजी को रखेगा, बट एटा की बीमारी को देखते हुए वो अपना मन बदल लेता है।
अब इधर ठूमी के मदर को दिखाया जाता है जो कबीले के दूसरे लोगों के साथ ज़ॉम्बियों का शिकार कर रही होती है ताकि उनको मार के इस एरिया को क्लियर किया जा सके, और साथ में वो ठूमी को भी ढूंढ रही होती है। एक्चुअली दोस्तों ठूमी अपने डैड से बहुत क्लोज होती है, उसके डैड अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं ये जानने के बाद भी वो अपने डैड को छोड़ नहीं पाई है, और इसीलिए वो उसके डैड को एक गड्ढे के अंदर कैद करके रखती है और उन पर नजर रखती है ताकि उसकी मॉम या फिर कबीले वाले उसके डैड को मार ना दे, और इसीलिए वो अपने मॉम से छुप कर अकेले रहती है। अब इधर एंडी को दिखाया जाता है जिसका तबीयत रात में बहुत खराब हो चुका था, उसको खून की उल्टी होने लगी थी और वो बेहोश हो चुका था। सुबह जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हुए हैं। इसके बाद एंडी एटा से मिलता है जहां एटा उसको ठूमी की फैमिली की फोटो दिखाती है। ठूमी एटा की स्टूडेंट रह चुकी थी और उसके पिता एटा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसीलिए वो ठूमी के फादर को ढूंढने के लिए कहती है ताकि रोजी उनके पास सेफली रह सके। बट एटा को पता नहीं होता है कि ठूमी के डैड ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब इसके बाद एंडी रोजी को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसको एक कार दिखती है और वो जैसे उस कार के पास पहुंचता है तभी सामने से एक आदमी गोली चला देता है और एंडी के पीछे आ रहा ज़ॉम्बी को मार डालता है। वो आदमी अपना नाम विक बताता है और बदले में एंडी को उसकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि विक का पैर एक टैंक के नीचे दब चुका था। एंडी को वो कार की चाबी देता है जिसके मदद से एंडी उस टैंक को हटा देता है और वो लोग वहां से निकल के विक के शेल्टर में चले जाते हैं जहां वो अपनी बीवी लॉरेन के साथ रहता था। अब थोड़ी देर बाद विक एंडी को उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो एंडी को अपना काम दिखा सके, जहां विक एक केज के अंदर किसी इंसान को बंद करके चारे की तरह यूज करता है ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर दूर से गोली मार के ज़ॉम्बीज को मार डालता है और उनकी कीमती चीजें कलेक्ट कर लेता है क्योंकि उसको लगता है कि जब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा तब यही सारी चीजें उसकी काम आएगी। अब नजदीक आते ही एंडी को केज के अंदर ठूमी और एक दूसरे केज में एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। एंडी को ये सब देख के सही तो नहीं लगता है बट उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है अपनी बेटी के बारे में सोचने के अलावा। अब इधर शेल्टर में लौटने के बाद एंडी रोजी को लॉरेन के पास सही हालत में देखकर वो खुद को मार डालने के बारे में सोचता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। बट तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोक लेती है एंड कहती है कि रोजी इधर विक के पास बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी क्योंकि विक एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो उसका हस्बैंड है, बल्कि विक ने उसके हस्बैंड को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए छोड़ दिया था और उसको तब से कैद करके इधर रखा हुआ है। अब तभी वहाँ विक लॉरेन को ढूंढते हुए आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद विक एंडी के सर पर राइफल मार के उसको बेहोश कर देता है और ठूमी के साथ उसको केज के अंदर बंद कर देता है। अब जब एंडी को होश आता है तो वो ठूमी को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों एक साथ यहाँ से निकल सके। एंडी कुछ मांस के टुकड़े को गेट के रस्सी से बांध के ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। इससे जब ज़ॉम्बी उस मांस के टुकड़े को खींचते हैं तो केज का दरवाजा थोड़ा सा ओपन हो जाता है और वो लोग वहां से निकलकर विक के शेल्टर में चले जाते हैं, जहां से वो लोग लॉरेन और रोजी को रेस्क्यू करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बट तभी विक नींद से जाग जाता है और वो एंडी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरेन बीच में आ जाती है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग के एक गड्ढे में जाके छुप जाते हैं। अब अगली सुबह जब एंडी और ठूमी की बात हो रही होती है तब एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके डैड अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, जिसको सुनने के बाद ठूमी जल्दी से दौड़कर उस पेड़ के पास चली जाती है जहां लास्ट टाइम वो अपने डैड को बात कर गई थी, लेकिन वो आके देखती है कि उसके मॉम ने उनको मारकर उसी पेड़ के ऊपर समाधि दे दिया है। ये सब देखते ही ठूमी खुद को संभाल नहीं पाती है और पत्थर से खुद के सर पर मारने लगती है। अब एंडी वहां से जाने लगता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं होता है और उसको ज़ॉम्बी में टर्न होने से पहले रोजी को
किसी सेफ जगह पर रखना था, किसी ऐसे इंसान के पास जो उसके जाने के बाद रोजी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ देर बाद ठूमी को रोजी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आगे जाके देखती है कि एंडी बेहोश हो चुका है। अब जब एंडी को थोड़ी देर बाद होश आता है तो ठूमी उसको नदी के किनारे तक गाइड करने के लिए राजी हो जाती है। एक्चुअली एंडी उस फैमिली के पास जा रहा होता है जिसको उसने बोट से देखा था नदी के किनारे रहते। जब एंडी वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उस फैमिली के हस्बैंड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी एंडी को फिर से वही गन दिखाता है और कहता है कि उसमें 6 गोलियां हैं, जिसमें से 3 गोली वो अपने फैमिली पर और 1 गोली वो खुद पर चला लेगा, एंड बाकी 2 गोली अगर एंडी चाहे तो खुद पर और उसके बच्चे पर यूज कर सकता है। एंडी उसको ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो आदमी नहीं मानता और अपने फैमिली को मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेता है। अब एंडी परेशान हो जाता है और वो गन उठा के खुद को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वहाँ ठूमी आ जाती है और एंडी को बताती है कि वो फाइनली घर जाना चाहती है उसके मम्मी के पास, और अगर एंडी चाहे तो वो रोजी को उसके कबीले वालों के पास दे सकता है जिससे रोजी सेफ रहेगी। एंडी ये सब सुनते ही ठूमी को हाँ बोल देता है और वो लोग पहाड़ के ऊपर दिख रही धुएं की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ आदिवासी लोग ज़ॉम्बीज़ को मार के जला रहे थे। अब रास्ते में एक टनल आती है जहाँ उनको वीक नजर आता है। ठूमी अपने साथ रोजी को लेकर वहीं पे खड़ी हुई एक गाड़ी के अंदर छिप जाती है, लेकिन वीक एंडी को ढूंढ लेता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है, जिसके चलते एंडी से गन गिर जाती है और वीक उसे उठाकर एंडी पर शूट कर देता है, और इसके बाद ठूमी को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है जिससे ठूमी को सर पर चोट लग जाती है। इसके बाद एंडी जैसे तैसे उठकर आता है और विक के गोदी में रोजी को देखता है, जहां विक लॉरेन को याद करते हुए रो रहा था। वो रोजी को मारने जाता है पर एंडी के बहुत रिक्वेस्ट के बाद विक रोजी को एंडी के पास दे देता है। अब इसके बाद एंडी रोजी और ठूमी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन क्योंकि ठूमी को सर पर चोट लगी थी तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अब इधर एंडी को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इनफैक्ट कुछ दूर जाते ही एंडी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी में टर्न होने ही वाला होता है। अब इसी टाइम एंडी की नजर एक मांस के टुकड़े की तरफ जाती है, जिसके बाद वो ठूमी को रोजी का ख्याल रखने के लिए कहता है और आखिरी बार के लिए रोजी को प्यार करता है। अब इसके बाद एंडी एक लंबे से स्टिक के एंड में उस मांस को लटका देता है। अब इधर ठूमी के मॉम को और उनके कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ को मार के जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग ठूमी और रोजी को आते हुए देखते हैं जो एंडी के बैग पर राइड कर रहे थे और उसको वही मांस के टुकड़े से गाइड करते हुए लेके आ रहे थे। उनके पहुंचने के बाद कबीले वाले एंडी को मारने ही जाते हैं, लेकिन ठूमी उनको रोक लेती है और एंडी की वाइफ की परफ्यूम निकाल कर स्प्रे कर देती है ताकि एंडी लास्ट टाइम के लिए अपनी फैमिली को याद कर सके। इसके बाद वो लोग एंडी को मार डालते हैं और इधर ठूमी के मॉम को रोजी के पेट में एंडी का फाइनल मैसेज मिलता है, जहां उसने एक व्हाइट पेंट से थैंक यू लिखा हुआ था। इसके बाद वो लोग एंडी को ठीक वैसे ही समाधि देते हैं जैसे कि ठूमी के पिता को दिया गया था। गाइस ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है और फाइनली रोजी को रहने के लिए एक सेफ जगह और फैमिली मिल जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।